है ना थोड़ा भी, अब से रुक जाएगा ना। और कैमरा मैन रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, सब तो मैं बस ये एक रस्सी वाला इसे सिल रही है, तो इससे गलती हो जाता है। खाइए, बन गया, रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह मैं उठ के अपना नाश्ता सब बना चुकी हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाई हूँ। तो अभी मुझे जाना होगा फ्रेश होने, क्योंकि जाना है दुकान। और दुकान जाके अभी आज तो मैं कटिंग भी कर ली हूँ, अपना खाना भी बन चुका है। कटिंग का मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, इसके वजह से मैं कटिंग जल्दी जल्दी कर ली हूँ। और अभी मुझे फ्रेश होने, थोड़ा फ्रेश होके, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इधर पूरा देख सकते हैं आप लोग, खेत कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये है दामगुड़ी का पेड़, इसमें दामगुड़ी लगा है कि नहीं? नहीं लगा, अभी छोटे छोटे फूल आए हैं बस। तभी मैं चलती हूँ फ्रेश होके दुकान। फिर उसके छोटा सा वो अम्मी का खेती पूरा हरा भरा हो गया है, एकदम हरियाली छा गया खेत पे। कुछ कुछ सब्जी भी हुए हैं, लेकिन उधर भिंडी लगा हुआ है थोड़ा। शायद इधर भिंडी में नहीं जाऊँगी अभी खेत में, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है इसके वजह से। और ये तो दामगुड़ी फड़ेगा अच्छे से, जिस दिन फड़ेगा उस दिन भी मैं दिखाऊँगी आप लोग को। पूरा हरियाली हो गई है अम्मी के खेत छोटे से। इधर मिर्चे, इधर मकई बोलते हैं मकई। आज के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बन रहा है ये जो कोल का फ्लावर होता है, जो सबसे लास्ट में निकलता है एक फूल कोल का, उसकी सब्जी। ये मसाला में मैं डाली हूँ प्याज, लहसुन, जीरा, गोलमरीच और अदरक, और ये लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के अब इसको थोड़ा पका लेती हूँ। तो यहाँ मसाला पूरा अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसको डाल लेती हूँ जो आलू और ये कोल के फूल को मैं आलू को मैं पहले बॉईल की हूँ और इसको भी बॉईल की हूँ। तब इसको आलू को थोड़ा छोटे छोटे ऐसे तोड़ के फिर अब इसको भी डाल लेते हैं सब्जी। तो और टेस्ट लगता है। आज सुबह सुबह अब्बू गए थे बस्ती में, तो वहां से लेकर आए थे ये टेस्टी वाला पूरा अनारस, जो एकदम ताजा था और कितना सुंदर। मैं सुबह सुबह देखी थी, इतना सुंदर दिख रहा था ये। तभी इसको काट के खा लो, और थोड़ा थोड़ा यहाँ ब्लैक ब्लैक हो गया ज्यादा पकने की वजह से शायद, तो इसको साइड करके खाना होगा। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनकर रेडी, चावल, दाल, और इधर ये सब्जी बन के पूरा रेडी एकदम गर्मा गर्म। और रोटी आज नहीं बनेगा क्योंकि आटा नहीं है सुबह सुबह, इसके वजह से हम लोग एक साथ स्कूल वाला दिन याद आ रहा ना, हम लोग ऐसे स्कूल जाया करते थे एक साथ। लेकिन अभी तो स्कूल जाते नहीं है, तो अभी तो दुकान ही जा रहे अपना। तो आज एक साथ दोनों दुकान जा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग का दोनों का काम एकदम टाइम में खत्म हो गया, एक साथ ही खत्म हुआ इसके वजह से। तो अभी चलते हैं दुकान और दुकान का काम खत्म करते हैं। इधर मैं तीन ब्लाउज खत्म करना है और एक सूट, चार सिलना है आज बस। तो सबीना इधर सिल रही है ब्लाउज, जो है मेखला चादर का ब्लाउज सिलेगी। और फिर मैं आज सिलने वाली हूँ एक अपने पड़ी के लिए एक छोटा सा फ्रॉक, जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इसको कैसे सिलूंगी। तभी ये कुछ ऐसा कॉटन कपड़ा है जो बहुत अच्छा सॉफ्ट है और गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पड़ी के लिए एक फ्रॉक सिल दूंगी, ताकि वो पहने तो उसको गर्मी ना लगे ज़्यादा। तो इसको अभी नहीं सिलूंगी, एक ब्लाउज सिलने के बाद ही मैं सिलूंगी। तभी इसको रखते हैं और इसको बाद में कटिंग करके और एक प्यारा सा छोटा फ्रॉक बनेगा आज। तो ये ब्लाउज सिलने के बाद मैं सिलने वाली थी पड़ी के लिए फ्रॉक, तो अब कर लेती हूँ इसको कटिंग। कटिंग करने के बाद सिलेंगे। और सबीना आज पूरा एक ब्लाउज पूरा सिल रही है और ये पाइपिंग लगाना सीख रही है आज। तो इतना लगाई है अभी, कल लगाई थी तो थोड़ा अच्छा लगाई थी, इसलिए मैं बोली हूँ इसको भी लगाओ। तब इसको कितना वो हो रहा है, डर लग रहा है। मैं जब ये सिलती है तो मैं ऐसे देखती हूँ तो क्या होता है बता, जब ऐसे ये सिलती है और फिर मैं देखती हूँ कैसे सिल रही है, तो इससे गलती हो जाता है। ऐसा स्कूल वाला फीलिंग आता है, टीचर देख रहा है और स्टूडेंट का दे घबरा रहा है, वो वाला फीलिंग होता है। तभी सबीना ये वाला पूरा ब्लाउज आज सिलेगी कंप्लीट। तो सिल लेगी पूरा कैसे, तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सिल पाई है कि नहीं। अभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ इसको कटिंग, इसको भी सिलूंगी। तो मैं बस ये एक रस्सी वाला फ्रॉक सिलूंगी, इसके वजह से इसका कटिंग थोड़ा अलग है, इसलिए अभी मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। यहाँ रस्सी लगाना होगा मुझे, लंबा होगा सबीना थोड़ा लॉन्ग सिलेंगे, क्योंकि वो बड़ी हो रही है दिन पे दिन, छोटी तो होगी नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ मेरा कटिंग हो चुका है पूरा कंप्लीट, और मैं इधर सिलने के लिए अब चलती हूँ। और ये अब पूरा आप लोगों को पूरा सिलने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा वाला फ्रॉक बनाई है।
कुछ बोलिए अपना वो में क्या बोलते हैं अपना तारीफ में कुछ बोलिए कैसा था कैमरा मैन आप किस लिए क्या जरूरी है यहाँ एक नया कैमरा मैन आया मेरे वीडियो में नहीं मेरे वीडियो बनाने में जिसका शक्ल दिखाएगा ही नहीं शक्ल दिखा दूंगी कभी अगर वो जरूरी है तो क्योंकि अच्छा वीडियो बनेगा तो दिखाना जरूरी है ना बहुत कैमरा मैन का शक्ल देखना जरूरी होगा तब नहीं है जरूरी थोड़ी है कैमरा सब जरूरी होता है नहीं कैमरा मैन पीछे से देखे सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं फिर कैमरा मैन रिकॉर्ड करते हैं हाँ सब कुछ पीछे रखते हैं ऊपर का पोर्शन फ्रॉक का रेडी हो चुका है यहाँ एक इधर क्या सिलाई किया सिलाई जब दिख नहीं रहा है सिलाई दिखेगा लास्ट में अभी स्टार्ट हो रहा है नहीं सिलाई जो अभी वो धागा लगाया वो तो दिखाई नहीं दे रहा है वही तो देखना चाहिए धागा दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर सिलाई क्या कर रहा है सिलाई किया नहीं अभी देखे देखे ये कितना शर्मा रही है हो गया वीडियो आ गया लाडो आओ इधर आओ इधर आओ आज को नहीं रोए ना इधर आओ इधर आओ अच्छा आज को नहीं रोए ना दोस्त बन गया लाडू बोले इतना गर्म है मेरा लिए आ जाता है हाँ ये अच्छा से पढ़ रहा है किसका ये तेरे बहन के लिए सिल रहा है तेरा लिए भी सिल देगा तेरा बहन के लिए सिल रहा है अभी ये छोटा सा कपड़ा था थोड़ा ना इसके वजह से और आज नहीं रोया ना दोस्त बन गया ना बन गया जब गया तो बन गया आज नहीं रोया ना थोड़ा भी अब से रुक जाएगा ना और क्या बोला लाडो मेरे लिए इतना गर्म में आ जाते हैं हाँ तो तुम अच्छा से पढ़ेगा तो आ नहीं जाएगा हम लोग गर्म में गर्म ठंडा नहीं देखेगा ठीक है अब से लाडो रोज स्कूल जाएगी कल ही बहुत रो रही तुम नहीं था ना शाम को इतना रोया है इसका कितना समझाने के बाद समझा था एक दिन में थोड़ा दोस्त बन गए हाँ दोस्त बनने में थोड़ा टाइम लगता है अभी अच्छा से बैठो थोड़ा पंखा के सामने बैठ जाओ गर्म लग रहा है जा जा यहाँ पंखा के सामने रुक जा थोड़ा लाडो यूनिफॉर्म में बहुत प्यारी लगती है ना टेस्ट हुआ आज मार्क्स दसवीं का टेस्ट देख लो टेस्ट मिला है कितना मिला मार्क्स कितना मिला दस में दस मिला है दिखा दो इसका टेस्ट कैसा दस में दस मिला बोल रहे है लड़की सच बोल रही है झूठ बोल रही है टेस्ट कॉपी में कितना टेन में टेन कहाँ मिला देख रहा है क्या मिला है वेरी गुड भी मिला है आज वाह देखो ऐसे पढ़ गए तो रोज ऐसा वाला वेरी गुड मिलेगा वेरी गुड मिला है बाल आडो और इधर और 15 में ये टेस्ट कॉपी है ना पूरा 10 में 10 लेकर आई है लाडो आज और वेरी गुड मिला इसको सुनो वेरी गुड दे दो इसको अभी हम लोग करने वाले हैं नींबू पार्टी और नमक लाना पड़ेगा और मिर्चा लाना पड़ेगा ओ छोड़ने बोल रहे तुमको कुत्ता दौड़ा कैसे बोला एक बार बोलो तो अकेले नहीं जाएगा तो यहाँ कुत्ता नहीं दौड़ाता है यहाँ का कुत्ता अच्छा है जा लाडो आना नमक और खट्टा ची नमक और मिर्चा लेके आना ठीक है हाँ जा तो इसमें मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ ही दे के फ्रॉक बनाऊंगी और ये सिंपल सा फ्रॉक बनेगा गर्मी में पहनने के लिए तो ये अभी एक बन चुका है और एक इधर बना रही हूँ जब इसको भी बना लेती हूँ क्या गया दो क्या खिलाए काटेगा दो चाकू ये वाला मिले सभी ना लो काटो तुम काटेगा अभी इधर लेकर आइए एक गुड़ा मिर्चा नहीं बोला था हम बोला था हरा मिर्चा ये पूरा छिलके निकाल दिया अच्छा नहीं लग रहा इसको हो जाए ऐसे खा लिया इसको काट लेते चलो हैप्पी बर्थडे कैसा लग रहा है पानी है तुम चलिए खाइए बन गया रेडी पानी आ रहा है मुंह में पूरा खाओ लाडो खाओ सुनीता आओ इधर
अब्बा तो नहीं खाएंगे। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जा रही हूँ मैं खाना खाने और यहाँ परी का फ्रॉक सिल के रेडी भी हो चुका है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ घर पे इसको सिली हूँ कैसे पूरा अच्छे से। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है सच में और ये अभी पहनेगी तो और प्यारा लगेगा। दिन जबरदस्ती सुला रही है और मैं आई थी यहाँ परी सोई हुई मिली मुझे, तो अभी इसको थोड़ा सोने देते हैं। उठेगी कि नहीं? उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। कहाँ गए कहाँ गए? इधर इधर परी, इधर परी का कपड़ा है, कपड़ा नया कपड़ा। आओ पहना के दिखा दी, आओ पहना के दिखा दी। आई पर नींद में लेकिन अपना कपड़ा बोल के भाग रहे। दो मेरा है, लो लो। आप पहना देगा नया नया, पर नींद में है, अभी नींद से उठी है। पहना देगा है? पहनी हाँ। अच्छा तो बाबू को पहनाने चाहिए, बिल्ली नहीं पहनी है पगली। आए दादा आए, तुम पहनेगा तुम, आओ पहना दी। ये फ्रॉक को मैं परी को नहीं पहना सकूंगी अभी, क्योंकि मोहर्रम का चांद चढ़ गया। अब मोहर्रम के चांद में हम लोग कुछ भी नया नहीं पहनते हैं ना यूज़ करते हैं, इसलिए अम्मी बोली है, दीदी बोली है, इसको नहीं पहनने के लिए अभी मोहर्रम के बाद। तो शायद 1-2 तारीख को मैं इसको पहनाऊंगी, तब मोहर्रम का चांद खत्म हो जाएगा। आज दुकान से जल्दी वापस आ चुकी हूँ क्योंकि थोड़ा काम नहीं था इसके वजह से, और फिर आज मोहर्रम का चांद भी चढ़ा है तो इसके वजह से रोजा रखी अम्मी, तो कुछ बनाना होगा, इसलिए मैं सोची कि काम आज बंद करते हैं और चलते हैं कुछ बनाएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ कुछ बनाने और पकौड़ा बनाऊंगी। और क्या का पकौड़ा बनाती हूँ आप लोग? अरोही का पत्ता, अरोही का पत्ता लेकिन हम लोग बोलते हैं कच्चू के पत्ता, उसका बनेगा पकौड़ा। और प्याज इसमें डाली हूँ और इसमें अभी कुछ कुछ डालना होगा। हाँ अपना शरबत भी बनकर रेडी हो चुका है और इधर अनारस काट के रख चुकी हूँ और इधर दीदी बना रही है पकौड़ा जो इधर फ्राई हो रहे पर अच्छे से टेस्टी वाला। ठीक है ये पकौड़ा में क्या क्या डाले? जीरा, गोलमरीच और बेसन, नमक, हल्दी और प्याज, मिर्चा, बस इतना कुछ डाल के ये कच्चू के पकौड़े बन रहे हैं। इधर यहाँ पकौड़ा बन के पूरा रेडी हो चुका है टेस्टी वाला। ये चाय के साथ तो और मजा आएगा, चाय बनाएगा ना अभी। टेस्टी पकौड़ा, और आज घर पे बन रहा है शाम को ब्लैक टी, क्योंकि ब्लैक टी इज वेरी हेल्पफुल। क्या निकाल दो? तो ब्लैक टी और ये पकोड़ा और ये आलू का चिप्स भी फ्राई किए हम लोग। तो अभी नमाज पढ़ने का टाइम होगा तब पियेंगे सब खाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने भोली को खोलने और हमारे साथ एक और है, एक और लड़की है, 3-4 लोग हम लोग जाते हैं उधर गाय को खोलने के लिए। तो आज अम्मी नमाज रोजा रखी है, इसकी वजह से मैं बोली हूँ मैं खोल के लेकर आऊंगी, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं अभी। तेरा मम्मी भी गया ना? हाँ 3 लोग है अभी, 3 लोग जंगल हो गया इधर। कितना दिन के बाद आए रहे हम? तो वहाँ आए अपनी भोली, भोली भी दिखने रही है, तेरे मम्मी को नहीं दिखा रहा है। भोली बहुत दूर है, अभी उधर जाना होगा। तो इतने जंगल के बीच भोली को बांध के रखी है अम्मी, अब इसको खोल लेते हैं। दौड़ दौड़ जाओ रे, देख रहे इतने ध्यान से क्यों हमको? जाओ जाओ दौड़ दौड़ दौड़। अब चली जाएगी घर सीधा। अभी भैया को लगा है भूख, इसके वजह से वो लेकर आए थे मैगी, और उनका स्टाइल में सिंपल वाला मैगी मैं बना चुकी हूँ। अब उनको यहाँ मैगी निकाल के पूरा आप गर्म है, लो जल्दी नहीं तो जल जाएगा हाथ ऐसे मेरा। एकदम सिंपल सेंटर है अपना वाला। आज के डिनर पे बनने वाला है डिंगला की सब्जी। यहाँ मैं इसको पहले फ्राई कर ली हूँ, अब इसमें डालूंगी मसाला। मसाला भी रेडी करना होगा मुझे। तो इधर मैं अभी लहसुन और सरसों बस पीस के रखी हूँ, इसमें सब मसाला ऐड करना होगा अभी। ये भी पक, यहाँ सब्जी बन के रेडी हो चुका है, अब इसको बंद कर देती हूँ। और अब मुझे बनाना होगा रोटी। आ जल्दी यहाँ, अब मुझे बनाना होगा रोटी। इधर रोटी के लिए भी मैं तैयारी कर चुकी हूँ। क्या कितना कितना वाइट है ये? क्या आटा? यहाँ का आटा, इसीलिए तो इसको अब ढक के कर देते हैं। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यही खत्म करते हैं और कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।